एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट डेली हम लोगों को स्किन केयर प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करते हैं और एक एवरेज इंसान अपने लाइफ टाइम में करीबन हजारों लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदता है और उसको अपने ऊपर यूज करता है, बट फिर भी कभी कभार स्किन कोऑपरेट नहीं करती है। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, केयर तो मांगती है स्किन। अगर हम अपने न्यूट्रिशन में कुछ बदलाव करें तो डेफिनेटली आपकी स्किन आपको थैंक यू बोल सकती है। हम कुछ कॉमन स्किन कंसर्न्स को सिर्फ न्यूट्रिशन से ही ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसे 3 फूड बताऊंगा जो कि आपके कोलेजन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं। आज हम जानेंगे कैसे हम अपनी कॉमन स्किन कंडीशंस को, कंसर्न्स को, प्रॉब्लम्स को न्यूट्रिशन के बेसिस पे ठीक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कोलेजन से। कोलेजन हमारी स्किन का एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। कोलेजन के फाइबर्स स्किन के अंदर एक नेटवर्क बनाते हैं जो स्किन को फर्मनेस और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, बट विद टाइम कोलेजन डिग्रेडेशन होता रहता है। ये माना जाता है कि करीबन 25 साल की उम्र के बाद हर साल 1% कोलेजन आपकी स्किन से कम होता जाता है। हमें ऐसे न्यूट्रिशन की जरूरत होगी जो हमें कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करे और साथ साथ कोलेजन प्रोवाइड भी करे। कोलेजन हम 3 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, टेकिंग हाई प्रोटीन डाइट। अपनी डाइट में अगर हम 60-65% प्रोटीन की मात्रा रखें, हर मील में करीबन 60-65% प्रोटीन रखें। प्रोटीन से रिच फूड खाएं, जिसमें कि आप पनीर ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स, चिकन और मीट यूज कर सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो लोग लेग्यूम्स ज्यादा यूज करें। लेग्यूम्स में बीन्स आते हैं, बीन्स में आप चिक पीस, जो चने होते हैं, छोले होते हैं, राजमा होते हैं और लेंटिल्स आते हैं। लेंटिल्स में हर तरह की दाल हो गई। दालों को आप डेली चेंज करते रहिए, करीबन 2 बाउल्स ऑफ दाल, आई मीन 2 कटोरी दाल आपको रेगुलरली डेली हर मील में लेनी चाहिए। और गुड सोर्सेस प्रोटीन के स्पाइनेज होता है, नट्स और सीड्स होते हैं। अपने डाइट में रेगुलरली हमें हाई प्रोटीन रखना ही चाहिए। देखिए, स्किन डैमेज सन भी कर सकता है, फोटो एजिंग जिसे कहा जाता है, स्किन डैमेज स्ट्रेस भी कर सकता है, पॉल्यूशन भी कर सकता है। बेसिकली इन चीजों से हमारी स्किन में फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स कोलेजन को डिग्रेड करते हैं। तो हमें ऐसे न्यूट्रिशन चाहिए जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो। जब एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होंगे तो वो फ्री रेडिकल्स को हटा देंगे, जिसकी वजह से कोलेजन ब्रेकडाउन कम हो जाएगा। वाइटामिन ई और वाइटामिन सी दोनों ही सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं। तो वाइटामिन ई के कुछ गुड सोर्सेज हैं आलमंड्स, सनफ्लावर सीड, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पीनट्स, एवोकाडो। वाइटामिन सी के गुड सोर्सेज आप सभी जानते हैं, लेमन, ऑरेंज, कीनू, कीवी और कुछ वेजिटेबल्स में बात करें तो ब्रोकली इज वेरी रिच इन वाइटामिन सी एंड बेल पेपर्स जो शिमला मिर्च होती है वो भी वाइटामिन से भरपूर है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग की। अगर हमारी बॉडी में किसी तरह की कहीं पर कोई इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कि सोरायसिस, एक्ने वल्गैरिस या फिर कोई एक्जिमास है या फिर कोई एनवायरमेंटल इंजरी है, जैसे कि सनबर्न हो जाना, पॉल्यूशन से स्किन डैमेज हो जाना या फिर कोई कट्स लग जाना स्किन में, तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है उसे हील करने की। और हीलिंग के लिए तो सबसे अच्छा फूड है, दैट इज जिंक। हमारे फूड में जिंक की मात्रा अगर अच्छी होगी तो हीलिंग भी हमारी बहुत अच्छी होगी। अब जिंक रिच फूड जो होते हैं उसमें सीसेम ऑयल मतलब तिल का तेल, आप खाने को तिल के तेल में बना सकते हैं और वैसे भी आप तिल का ज्यादा यूज कर सकते हैं अपनी डाइट। पंपकिन सीड भी रिच होते हैं जिंक में और साथ में लेग्यूम्स जिसमें आते हैं बीन्स एंड लेंटिल्स, और साथ साथ होल ग्रेन की आप रोटियां बना सकते हैं, जिसमें कि हम मक्के का आटा यूज कर सकते हैं, बाजरे का आटा यूज कर सकते हैं, रागी का आटा, चने का आटा और गेहूं का आटा। हम डेली डिफरेंट तरह की रोटियां खा सकते हैं और डिफरेंट तरह का न्यूट्रिशन हमें मिल सकता है, साथ साथ जिंक भी मिल सकता है। और डेफिनेटली हम रोटियां बार बार चेंज करते रहें। और एक और फूड जो हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन सबसाइड करने में वो है हल्दी, स्पेशली कच्ची हल्दी, टर्मरिक। उसके अंदर कर्क्यूमिन होता है, दैट इज नोन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। और आप रेगुलरली हफ्ते में 2 बार मिल्क में हल्दी डाल के जरूर लीजिए।
और आप ध्यान रखें जिस चीज में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है वो हमेशा इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, जैसे कि कलरफुल वेजिटेबल्स एंड कलरफुल फ्रूट्स। अब बात करते हैं ड्राइनेस और एक्जिमास। हमारी बॉडी के अंदर जब वाटर रिटेन नहीं रह पाता है तो उसे ड्राई स्किन कहा जाता है। ड्राई स्किन हॉट एयर से भी हो सकती है, ड्राई स्किन हॉट वाटर से भी हो सकती है, ड्राई स्किन लैक ऑफ मॉइस्चर से हो सकती है, ड्राई स्किन लैक ऑफ वाटर इनटेक से भी हो सकती है, और ड्राई स्किन आपके सोप्स डिटर्जेंट से भी हो सकती है। बिकॉज ये सभी चीजें आपके जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्किन का, जो बैरियर मैकेनिज्म है, उसको ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से वाटर स्किन में नहीं रह पाता है, वो एवेपोरेट हो जाता है और स्किन ड्राई होती है। और ड्राई स्किन हमेशा डिहाइड्रेटेड डल स्किन होती है और साथ साथ उसमें एक्जिमास के और डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा न्यूट्रिशन में कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे जो बैरियर मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग हो जाए, और वो कर सकता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो हमें ऐसी डाइट इंक्लूड करनी होगी जिसमें ओमेगा 3 काफी मात्रा में होना चाहिए। नंबर 1 इज वॉलनट। वॉलनट इज वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप यूज कर सकते हैं चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं फिश उनके लिए बहुत अच्छा साधन है। प्लस आजकल ओमेगा 3 के वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। हेम्प सीड्स आर आल्सो सपोज्ड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, आप उन्हें भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्ने और ऑयली स्किन की। जब हम कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है, मतलब वो इजिली डाइजेस्टेबल होते हैं, इजिली ग्लूकोज बना देते हैं, तो ब्लड का ग्लूकोज जब रेज हो जाएगा तो इंसुलिन को बढ़ना पड़ेगा उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए। जब इंसुलिन बढ़ेगा तो आपके एंड्रोजन हॉर्मोन्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा ऑयल सेक्रीट करेंगे, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और एक्ने हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है ऐसे फूड नहीं लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जो इजिली डाइजेस्टेबल होते हैं, जैसे कि रिफाइंड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, पास्ता, मैदा, पिज्जा और एनीथिंग, एनी जंक फूड यू हैव टू अवॉइड कम्प्लीटली। आपको जो फूड लेने हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, मतलब वो स्लो डाइजेस्टिंग होते हैं, स्लोली एब्जॉर्ब होंगे, धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा, तो इंसुलिन बहुत पीक नहीं करेगा। जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है उसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो यूज कर सकते हैं, आप नट्स और सीड्स यूज कर सकते हैं, ओट्स यूज कर सकते हैं, टोफू यूज कर सकते हैं, और साथ साथ अगर हमें ऑयल और एक्ने कंट्रोल करना है तो विटामिन ए रिच फूड भी बहुत हेल्पफुल होता है। और विटामिन ए टोमेटोज, स्वीट पोटैटोज, कैरेट्स, स्पाइनेज और मिल्क में अच्छी मात्रा में होता है, तो हमें इनका यूज ज्यादा करना चाहिए। अब बात करते हैं गट और स्किन हेल्थ की। देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब कुछ हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं। जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं हमेशा उनका रेशियो ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि वो बैलेंस बना रहे, और जब भी ये डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो बढ़ जाएंगे, तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। अब डाइजेशन प्रॉब्लम्स होंगी तो विटामिंस, मिनरल्स आप कितना भी अच्छी डाइट ले लेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो हमारी स्किन तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए हमें ऐसे फूड लेने हैं जो कि हमारे पॉजिटिव गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोबायोटिक्स। इसमें कि आप फर्मेंटेड फूड यूज करें, जैसे कि इडली और ढोकला होते हैं, आप कर्ड यूज करें, कर्ड इज वेरी रिच इन प्रोबायोटिक्स। आप अनियन यूज करें, अनियन जो होता है इट इज अ फूड फॉर गुड बैक्टीरियाज। जब गुड बैक्टीरिया को फूड मिलेगा तो वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। अनदर थिंग इज आप बनाना यूज करें, बनाने के अंदर एक सब्सटेंस होता है दैट्स कॉल्ड इनुलिन। इनुलिन जो होता है, जो गुड बैक्टीरिया का फूड होता है, अब इनुलिन को जब वो खाते हैं तो और स्ट्रांग हो जाते हैं गुड बैक्टीरियाज, तो डेफिनेटली वो बैड बैक्टीरियाज को हटाने में भी हेल्प करेंगे और खुद ग्रो करने में हेल्प करेंगे, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और स्ट्रांग होगा, आपकी स्किन और स्ट्रांग होगी। देखिए, स्किन के न्यूट्रिशन में एक बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसा कोई फूड नहीं है जो आपको रातों रात बदल देगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द डाइट। आपको अच्छी डाइट लंबे समय लेनी होगी। फिक्स योर रूटीन, मेक योर रूटीन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड देन फॉलो इट सिंसियरली एंड ग्रेजुअली विद टाइम यू विल सी गुड चेंजेस इन योर डिजीजेस आल्सो।
गुड चेंजेस इन योर स्किन ऑल्सो. आपकी स्किन डेफिनेटली आपको बोलेगी थैंक यू और आपकी स्किन ग्लो भी करके दिखाएगी आपको. चलिए अब बात करते हैं ऐसे तीन फूड की जो कि आपकी स्किन को कोलेजन देते भी हैं और साथ साथ कोलेजन को बढ़ाते भी हैं, बट इनमें से दो फूड नॉन वेजिटेरियन है. बिकॉज कोलेजन जब डायरेक्टली स्किन को मिलता है वो स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है, जिसमें की बोन ब्रॉथ. आप चिकन और मटन का जो बोन्स है उनका जो सूप है उसमें कोलेजन बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं. सेकेंड इज फिश, साथ में उसकी स्किन के साथ कोलेजन काफी होता है. आप डायरेक्टली कोलेजन इन दो फूड से आपको मिल सकता है. और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो विटामिन सी रिच डाइट स्पेशली ब्रोकली, पपाया, कीवी और ऑरेंजेस ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, आंवला ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें, तो वो आपका कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करेगा. तो ये तीन फूड है जो कोलेजन सिंथेसिस के लिए रियली हेल्पफुल है. अगर कोलेजन अच्छा रहेगा बॉडी में, डिग्रेड कम होगा बॉडी में, तो आपकी स्किन डेफिनेटली लंबे समय के लिए फर्म, इलास्टिक और ग्लो करती रहेगी. गुड न्यूट्रिशन स्किन फाउंडेशन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, हमें उसको डेफिनेटली मेंटेन रखना होगा. बट साथ साथ बाकी पिलर्स पर भी आपको ध्यान देना होगा, जो कि है रेगुलरली अपनी फिटनेस पर ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखना, स्ट्रेस कम से कम लेना, नींद प्रॉपर लेना और हमेशा खुश रहना. आपके सारे पिलर्स जब भी आपकी लाइफ में आ जाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, हेल्दी भी रहेगी, आपकी डिजीज भी ठीक होंगी, एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी आएंगे और आपकी स्किन डेफिनेटली आपको थैंक यू जरूर बोलेगी. तो चलिए आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं. दिस इज डॉक्टर नितिन ब्रह्मा साइनिंग ऑफ. थैंक्स अ लॉट. विल सी यू इन अनदर वीडियो. थैंक यू.